सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप लोग, मैं हूं आपका होस्टिंग दोस्त हर्षानी। तो गाइस, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी BS6 क्लासिक 350 के ऊपर, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, आप लोगों को काफ़ी पसंद आई वीडियो। बाइक का मैं नहीं कह सकता अभी। तो गाइस, अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं, आप सोच रहे हैं कि आपने बाइक लेनी है तो BS4 लें या BS6 लें, तो आज की वीडियो एंड तक देखिए। मैं तीन चेंजेस जो हुए हैं बाइक में उसके रिलेटेड बात करूंगा, उनकी प्रैक्टिकलिटी एंड कितने वो एप्लीकेबल है रियल लाइफ में उनके ऊपर बात करूंगा। तो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि रॉयल इनफील्ड ने अपनी BS6 वर्जन रेडी कर दी है एंड डीलर्स के पास भेज दी है, बस लॉन्च करने की देरी है, जो कि 7 या 8 जनवरी के बाद मोस्ट प्रॉबेबली हो जानी चाहिए। तो गाइस, ऐसे में अगर आप कंफ्यूज लगे किन किन फैक्टर्स को ध्यान रखें एंड अपना डिसीजन लें, तो गाइस नंबर 1 फैक्टर आ जाता है, जो कि है साउंड। अब देखिए, जो नई BS6 वर्जन आया है उसके अंदर एक कैटलिक कन्वर्टर लगाया गया। आप देख सकते हैं बेंड पाइप के ऊपर एक कैटलिक कन्वर्टर लगा हुआ है, जिसका काम क्या है कि वो कार्बन जो जमा हो जाता है इंजन के अंदर, साइलेंसर के अंदर जो धुआं निकलता है उसको कम करेगा। सेकेंडली, बाइक की आवाज़ जो है उसको भी थोड़ा बहुत कम करेगा। तो ऐसे में अगर आप कंपेयर करेंगे BS4 की आवाज़ अच्छी है, BS6 की आवाज़ अच्छी है, तो गाइस डेफिनेटली BS4 की आवाज़ ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो किसका इंजन ज़्यादा रिफाइंड होगा, यानी कि जो वाइट धुआं निकलता है सर्दियों में वो किस में नहीं निकलेगा, तो BS6 में नहीं निकलेगा कैटलिक कन्वर्टर लगाने के बाद। तो गाइस, ये था आपका पहला रीजन जो कि आपको ध्यान में रखना है अगर आप बाइक ले रहे हैं। सो गाइस, अब आ जाते हैं जो सेकंड मेजर चेंज करा गया है, जो कि है EFI, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। कि बाइक के अंदर पेट्रोल की कंबशन कैसे होगी वो उसका कार्बोरेटर या EFI डिसाइड करता है। तो जो पहले की रॉयल एनफील्ड क्लासिक आती थी ना, उसके अंदर कार्बोरेटर सिस्टम होता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना चला हुआ सिस्टम, चल रहा था वो सिस्टम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वही दूसरी जगह पे EFI रॉयल एनफील्ड अपनी 500cc में दे दी थी, उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स लोगों ने फेस करी है, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि किसकी मेंटेनेंस ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली EFI अगर ख़राब हो जाता है तो इट विल कॉस्ट यू मोर देन द कार्बोरेटर। तो उस मामले में कार्बोरेटर डेफिनेटली सस्ता है। सेकेंडली, जब भी आप बाइक ले रहे हो तो ऑब्वियसली कहीं भी आप जाए बाइक ख़राब हो सकती है, बाइक का पार्ट ख़राब हो सकता है। ऐसे में मैकेनिक जो है कार्बोरेटर सिस्टम को अच्छे से जानेगा रादर देन EFI। तो अगर आप पहाड़ों में जाते हैं, लॉन्ग राइड्स जाते हैं एंड आपको अच्छे से नहीं समझ है कि कौन सा सिस्टम अच्छा है, तो कार्बोरेटर रॉयल एनफील्ड के मामले में डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इशू फेस नहीं करेगा। सो गाइस, अब जो मेजर थर्ड चेंज देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है अलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर्स। तो गाइस, जो पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक आती थी ना, उसके अंदर स्पोक व्हील्स होते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, आप ऑफ रोड टेरेन में भी ले जा सकते हैं, आप कोई भी टेरेन में चलो, वहाँ पे वो कामयाब थे, उनमें दिक्कत नहीं आती थी, कोई ब्रेकेज नहीं होती। लेकिन वही दूसरी तरफ काफ़ी लोग चाहते थे कि यार हमें अलॉय लगवाना है, अलॉय लगवाना है, वो बाइक खरीदने के बाद एक्स्ट्रा मार्केट आफ्टर मार्केट अलॉय लगवाते थे। तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है, क्योंकि ट्यूबलेस टायर भी मिल जाएंगे उन्हें उसी प्राइस में, अलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे उन्हें उसी प्राइस में, तो इट्स अ मच बेटर थिंग। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो, तो रॉयल एनफील्ड एक रेट्रो क्लासिक लुक के ऊपर अलॉय व्हील्स से ज़्यादा अच्छे स्पोक व्हील्स रखते हैं। टोटली आपकी चॉइस के ऊपर है, अगर आपको अलॉय व्हील्स अच्छे लगते हैं तो BS6 आप डेफिनेटली जाए, वरना BS4 इज़ अ गुड ऑप्शन। आफ्टर ऑल, जो चीज़ मार्केट में चल रही है वो मार्केट में इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि वो बेस्ट है। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो, शॉर्ट सिंपल एंड क्रिस्प। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने पहले भी BS4 ले या BS6 ले उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन वो खाली प्रैक्टिकलिटी के ऊपर थी, आपके टाइम मनी इन सब के ऊपर थी। लेकिन अब जो एक्चुअल चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करिए, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज। तो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, दिस इज द होस्ट एंड दोस्त हर्षानी, बाय बाय। एंड अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे कि हर्ष, अगर आपको बाइक लेनी होती तो आप BS4 लेते या BS6 लेते, मैंने ऑलरेडी BS4 ले लिए। एंड अगर आप मुझसे अब पूछो कि BS6 आने के बाद कौन सी लोगे, तो मैं डेफिनेटली BS4 लेता, बिकॉज साउंड ठीक है, सेकेंडली मुझे अलॉय व्हील्स से ज़्यादा अच्छे स्पोक व्हील्स लगते हैं, थर्डली कार्बोरेटर सिस्टम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। एंड अगर आप BS6 लेना चाहते ही हैं, तो मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, थोड़ा टाइम रुक जाइए, थोड़े रिव्यूज़ आने दीजिए एंड देन अपना डिसीजन लीजिए।